सर आपका नाम? अमित गुप्ता। सर आग लगने का कारण क्या है यहाँ पे जो आग लगी है? आग लगने का कारण तो अभी पता नहीं है, अभी फायर ब्रिगेड वाले टेस्ट कर रहे हैं। हम कार वॉशिंग के लिए आए हुए थे तो धुआं निकलते देखा तो एकदम से आग पकड़ ली कि झुग्गियों की टॉप पे शीट होने के कारण आग जल्दी इन्होंने पकड़ी है। और थैंक गॉड की मेरे पास नंबर था फायर ब्रिगेड वालों का, उनको हमने सूची दी और ये 30 सेकंड में ही यहाँ पे पहुँचे और हार्डली 3 या 4-5 मिनट में इन्होंने कवर अप किया है। बहुत अच्छा एपिसोड करते हैं हम इनको, इन्होंने अच्छा काम किया। फ़ोन करने में मतलब जितना टाइम लगा और इनको पहुंचने में 30 सेकंड का ये टोटल काम है, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी आग फैल सकती थी ये दूर, काफ़ी बाकी चीज़ें इसके चपेट में आ सकती थी, लेकिन इन्होंने कवरअप अच्छा किया। अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इन ऐसे वर्करों का, फ्रेंडली एक्शन किया और काफ़ी झुग्गियाँ बाकी जो राइट और लेफ्ट में थी ज्वाइनिंग में थी वो सारी बच गई। सिर्फ 2 से 3 झुग्गियों को नुकसान हुआ, एक तो पूरी तरह जल के राख है और 2 को थोड़ा माइनर हुआ है। सब लगती है सारी टाइमली एक्शन पुलिस भी मौके पर। सर क्या बात हुई है यहाँ पे आग लगने का कोई कारण? कारण कुछ भी नहीं है, बंदे जो थे वो चले हैं देश में, ठीक है। तो मैं आज पुलिस में आगे चला हूँ, मैं गया तालाब में, वो पिंडदान जो भी होता है वो तालाब में डालने गया, अपना बुआ ताला दूंगा जैसे मतलब ताला हो गया पूरा आश्रम। उधर से क्या किया मैंने, घर गया इसको फिर उठाया, आया मैं देखा इधर आग आग लगी हुई है, मतलब भयंकर आग, भयंकर आग लगी हुई है। तो मैं आया देखने के लिए तो पूरा पिंडदान इकट्ठा हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है, कोई जान किसी की नहीं गई है, सिर्फ ये है कि झुग्गियाँ जल गई हैं। तो जो झुग्गियों में रहते थे वो कहाँ हैं? वो अपने देश चले गए हैं, वो देश में चले गए।